अगर मेरे हाथ चढ़े गलत होएगा फिर ढूंढ लूंगा तुम्हें मैं एक दो दिन में ना ढूंढ ले जाओगे जो भी है। और भाई क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। एल्विस यादव ने अगेन आसिम रियाज को तगड़ा रिप्लाई किया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आसिम रियाज ने एल्विस यादव को बिना मतलब के पोक किया था कि मेरी और सिद्धार्थ की जगह कोई नहीं ले सकता। जितने भी रिपोर्ट पहुंचे हैं लाइव आके नंबर गिन के। और जब एल्विस यादव ने आसिम रियाज का ये क्लिप देखा तो एल्विस यादव ने अपना फर्स्ट रिप्लाई क्या दिया देखो आप। हमारे लिए वैसे मुझे पता नहीं क्यों हो रहा, बट गलत सलत बोल रहा, चलो बोलने तो कोई बात नहीं, पर हमारा तो नहीं कि भाई हमारा आगे करके दिखाओ, ये सब सेम चीज है। सामने करो तो मजा भी आया है ना, हमारे सामने करो तो हम देखें भी ढंग से कौन सी उंगली उठ रही है कौन सी दबानी है। कहता उंगली उंगली उठेगी तो पीछे ही जाएगी, सामने उठाई तो ऐसे तो कुत्ते दुनिया जगह भौंक है भाई। ना हमने किसी से लेना देना, ना हम किसी की बुराई करते, पर अगर कोई फालतू पंडित की बकवास करा फिर हम छोड़ते भी नहीं। जी हाँ गाइस, आपने एल्विस यादव का फर्स्ट रिप्लाई देखा, बट इससे भी हटके एल्विस यादव ने अगेन यानी कि फिर से आसिम रियाज को रिप्लाई किया है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इन दिनों एल्विस यादव के यूट्यूब चैनल पर काफी ज्यादा गलीच चल रहे, यानी कि उनके व्यूज को लेकर गलीच चल रहे हैं, यानी एल्विस यादव के 1 या 1.5 मिलियन से ऊपर के जो व्यूज है वो शो नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके चैनल पर। तो इसको लेकर एल्विस यादव ने क्या रिप्लाई किया आप खुद देखो। भाई मेरे YouTube में चल रहा है ग्लिच, मेरे Instagram पे चल रहा है ग्लिच, या फिर पीछे से नहीं पता कौन क्या सिस्टम हैंग कर रहा, मेरा ही हैंग कर रहा साला। हैंग कर देंगे जो कर रहा साला, बता दिए है ना। भाई 1 घंटे में 1.2 मिलियन व्यूज हो जाए रोज, उसके बाद 10 घंटे तक उतना ही रहा मैं, कोई बात नहीं, जो भी कर रहा भाई गलत कर रहा, अगर तुम YouTube टीम से ठीक करो, अगर मेरे हाथ चढ़े गलत होएगा फिर ढूंढ लूंगा तुम्हें मैं एक दो दिन में ना ढूंढ ले जाओगे जो भी है। और Instagram पे पता नहीं क्या ग्लिच चल रहा है यार, साड़ा पागल हो रहा हूँ मैं तो यार, आई एम मैड नाउ, मैड। दुबई की सड़कों पे हरियाणा के बालक, बाकी गाइस आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत है ना, कमेंट करके जरूर से बता देना। और आप किसके फैन हो, एल्विस यादव या आसिम रियाज, ये भी जरूर बता देना। फिर अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।